हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जो ये पिक्चर में दिख रही है ये ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसका ये टॉप वाला पार्ट मतलब पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी मैं आपको, और जो नीचे शरारा है उसकी कटिंग और स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने ये डबल फोल्ड में है, अभी मैं इसको फोर फोल्ड कर लूँगी फैब्रिक को। मेरी फिटिंग है जो इतने में आ जाती है, फोर फोल्ड में हो जाती है, तो वरना तो आपको फ्रंट और बैक अलग अलग काटना पड़ेगा। तो 6 इंच शोल्डर के लिए, 6 इंच नीचे, फिर फिटिंग है मेरी 8.5 इंच। उसके बाद लंबाई हमें लेनी है सिर्फ 14 इंच, और नीचे का पार्ट इसमें अलग रहेगा। 14 इंच की लाइन सीधी कर लेंगे, नीचे भी कमर से 8.5 इंच लेंगे, और क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो हमारा प्लीट्स में दब जाएगा, आर्म होल की गोलाई देंगे और इसको हम कट कर लेंगे, गोलाई से कट कर लेंगे यहाँ पर। अब दोनों पार्ट को यहाँ से अलग कर देंगे, फ्रंट और बैक अलग अलग हो जाएगा हमारे पास। अब हम प्लीट्स के निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, फिर ऊपर से 10 इंच पे, और ये लाइन सीधी करके दोनों साइड 1/2 इंच का मार्क, सेम ऐसे ही ऊपर से 10 इंच, नीचे से 3.25 इंच, और ये सीधी करके दोनों साइड 1/2 इंच। बैक पार्ट में हम ये लगाएंगे 4 इंच पे, और ऊपर लगाएंगे 5 इंच तक, 5 इंच तक ऊपर जाएगा और दोनों साइड 1/2 इंच। फिर ऐसे ही पलट के दूसरी साइड भी लगा देंगे, 4 इंच ऊपर, 5 इंच, और दोनों साइड 1/2 इंच की लाइन। अब हम नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो ये नीचे के पार्ट की लंबाई मैंने ली है 22 इंच, तो 22 इंच का ये डबल फोल्ड में एक पार्ट कट कर लिया। फिर उसके बाद सेम 22 इंच का डबल फोल्ड में एक पार्ट और कट करेंगे, एक पार्ट फ्रंट में जोड़ देंगे, फ्रंट पार्ट के साथ एक पार्ट बैक पार्ट के साथ जोड़ेंगे, तो हमारा अच्छा खासा फ्लेयर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे हमें चुन्नटे बना के ऐसे जोड़ना है। तो अब करते हैं गला कट। ये स्लीवलेस रहेगी, तो 3.5 इंच का चौड़ा मैंने गला काटा है, शेप ड्रॉ कर दी है गले की। अब सेम ऐसे ही बैक पार्ट करेंगे, 3.5 इंच की चौड़ाई, और 8 इंच मैं इसमें डीप कर रही हूँ गला, और बॉक्स बना के सिंपल गोल गला बनाना है, गोलाई दे देंगे और इसको कट कर देंगे। ये हमारा गला कट हो गया है। तो अब हम काटेंगे गले के लिए पट्टियाँ। ये डबल फोल्ड फैब्रिक पे पट्टी रखी मैंने, जो गला काटा था बैक वाला वो पट्टी रखी, सेम शेप ड्रॉ करी और साइड से 1-1 इंच की एक और मार्क करा और इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बैक गले की पट्टी तैयार हो जाएगी। सेम ऐसे ही फ्रंट की पट्टी तैयार करनी है, शेप बिल्कुल सेम शेप ड्रॉ करी डबल फोल्ड फैब्रिक पे, 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया और दोनों कट कर दिया, और ये फ्रंट गले की पट्टी तैयार हो जाएगी। अब हम इसको अटैच करेंगे, तो अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पे। अब हल्के हल्के से कट डालेंगे गोलाई में, और इसको पलट के यहाँ से बड़ी सिलाई लगाएंगे, मशीन की चाल यहाँ से बड़ी करनी है, बड़ी चाल करके सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद जो अंदर साइड में जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी बड़ी चाल से ही एक सिलाई लगा देंगे, और ये हमारा फ्रंट गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर सा गला तैयार हो गया है हमारा। अब बैक नेक के लिए सेम ऐसे ही पट्टी, पहले सीधी साइड फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड में पट्टी रखते हुए अटैच करेंगे, गोलाई में कट डालेंगे, कट लगाने के बाद सेम पीछे की साइड पलट देंगे, और मशीन की सिलाई यहाँ पे बड़ी करके बड़ी सिलाई से एक सिलाई लगाएंगे किनारी किनारी पर। फिर उसके बाद अंदर के फैब्रिक को फोल्ड करते हुए एक फिर से बड़ी सिलाई इसमें लगाएंगे। इसके बाद ये दोनों बड़ी सिलाई जहाँ जहाँ लगाई है उसको खोल देंगे, तुरपाई करके उस सिलाई को खोल देंगे। अब शोल्डर अटैच करेंगे दोनों साइड के, दोनों की सीधी साइड अंदर रखते हुए हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब उसके बाद हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा डार्ट वो जो प्लीट्स थी वो मेरे क्लिप रह गई है, ऐड नहीं हो पाई है, तो जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया था वो वहाँ वहाँ हमें वो प्लीट्स डालनी है। अब उसके बाद ये देखिए बिल्कुल पतला पतला, एक साइड से बिल्कुल पतला पतला हमें फोल्ड करना है। ये हमारा नीचे का पार्ट है, जो हमें पेपलम टॉप में जो अपर पार्ट हमने रेडी कर दिया, उसके बाद जो नीचे पार्ट रेडी करना है उसके लिए चुन्नटे डालना मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें ऐसे मैंने बिल्कुल पतला पतला करा फोल्ड, उसके बाद बड़ी चाल करके और एक सिलाई लगा देंगे पूरी पे फोल्ड के बिल्कुल पास पास से। अब हम इसको एक धागे को पकड़ के खींचेंगे तो ये बन जाएगी चुन्नटे।
ये देखिए, इसको हम अपने बैक पार्ट की लंबाई के हिसाब से सेट कर लेंगे अच्छे से। जितना हमारा बैक पार्ट है उतनी ही चुन्नटे डाल के उतना ही कपड़ा रेडी कर देंगे। चुन्नटे सारे में हमें इक्वल स्प्रेड करनी है ताकि हमारा लुक अच्छा आए ड्रेस का। तो ये देखिए, ये मैंने रेडी कर ली है। अब उसके बाद ये देखिए, दोनों पोर्शन सीधे रखने। हमने बैक पार्ट भी सीधा रखा और मतलब ऊपर वाला पार्ट भी सीधा रखा और नीचे वाला भी, और ऐसे बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये ऊपर और नीचे का पार्ट हमें जॉइंट कर देना है बिल्कुल अच्छे से। हमें यहाँ चुन्नटे बराबर स्प्रेड होनी चाहिए और दोनों पार्ट मतलब नीचे के पार्ट में सिलाई से अटैच होना चाहिए। ये अच्छे से मतलब ध्यान देते हुए हमें यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मेरा बिल्कुल इक्वल आ गया है और ये मेरा स्टिच हो गया है, जॉइंट कर दिया है मैंने। अब ये देखिए, ये मैंने उरेब की पट्टियाँ कट की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इन पट्टियों को जॉइंट कैसे करते हैं। ये देखिए, एक पट्टी ली, जिधर लंबा कॉर्नर है उस साइड दूसरी पट्टी का छोटा कॉर्नर, और ऐसे ऊपर नीचे रखते हुए इसको सिल देंगे। एक साइड लंबा तो दूसरी पट्टी का उसी साइड छोटा कॉर्नर। अब ये देखिए, ऊपर की साइड छोटा कॉर्नर है तो दूसरी पट्टी का ऊपर की साइड लंबा कॉर्नर रखेंगे और ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड से ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने बहुत सारी मतलब दो बड़ी बड़ी पट्टियाँ तैयार कर ली है। अब इसको डबल फोल्ड में लेंगे और आर्म होल पे, आर्म होल वाली सिलाई पे इसको लगाना है हमें, क्योंकि ये हमारी स्लीवलेस ड्रेस है, इसमें हम बाजू अटैच नहीं करनी है। तो ये देखिए, डबल फोल्ड में ये पट्टी पूरे में हम जॉइंट कर देंगे। पूरे पट्टी जॉइंट करने से कोई झोल नहीं आता है, मतलब कपड़ा खिंचा खिंचा नहीं लगता है और फिनिशिंग से हमारी अटैच हो जाती है। तो इसलिए जहाँ पे भी हमें अगर बाजू जैसे यहाँ नहीं लगानी है तो हम इसमें उरेब पट्टी जोड़ेंगे। अब ये पट्टी पूरे में आ गई है, गोलाई पे छोटे छोटे कट डालेंगे और इसको पलट देंगे। ये देखिए, इसको पलट के और यहाँ पे बड़ी सिलाई से हम स्टिच लगाएंगे और बाद में इसमें तुरपाई कर देंगे। पूरे में फोल्ड करते हुए, अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे बड़ी सिलाई लगानी है। ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड भी उरेब पट्टी अटैच करके और फिनिश इसको अटैच कर देंगे अच्छे से। उसके बाद अब हम लगाएंगे फिटिंग का मार्क। पहले नीचे का बॉटम पार्ट फोल्ड कर लेंगे। जो नीचे वाला पार्ट था वो एक साइड हमें चुन्नट जोड़ दिया, जो नीचे की साइड है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट का, फ्रंट और बैक दोनों का ऐसे ही फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब ये मैंने फ़िटिंग लगा दी है। ये देखिए, फ़िटिंग का निशान मैंने लगा दिया है पूरा, अगर आपको दिख रहा हो तो। मैंने दोनों साइड फ़िटिंग का निशान अच्छे से लगा दिया है। तो अब हम इस पर लगाएंगे फ़िटिंग। दोनों साइड पूरी मार्किंग की हुई है तो मार्किंग पे ही हमने स्टिचिंग करनी है पूरी। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं, वहाँ पे पक्का कर देना है ताकि सिलाई खुले ना, और दोनों साइड दोनों पार्ट इक्वल बराबर करते करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। इसको डबल कर देंगे, पक्का हो जाएगी सिलाई हमारी। अब दूसरी साइड में भी ऐसे ही फिटिंग कर देनी है हमें, और इसके साथ ही हमारा ये पेपलम टॉप रेडी हो जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।